नमस्ते। आज हम बनाएंगे एलोवेरा का डिश। तो एलोवेरा और फ्रूट से बनाएंगे हम ये, और कुछ ठंडा है और कुछ यूनिक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो पहले मैंने लिया है 1 गिलास दूध, डाल दूंगी। इसको बनाने के लिए मोटे तले का ही बर्तन ले। उसके बाद मैंने 5 चम्मच लिया है एलोवेरा पिसा हुआ, उसको भी इसी में डाल देंगे। इसमें 4 से 5 चम्मच स्ट्रॉबेरी का पल्प डाला है, पीस लिया है हमने अच्छे से इसको। इसके बाद हम लेंगे एक, मैंने जिसमें स्ट्रॉबेरी का रखा था उसी कटोरी में मैं आधा कप पानी डाल दूंगी। आधा चम्मच में अरारोट का आटा डाल दूंगी। 1 चम्मच में मिल्क पाउडर डालूंगी। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, अंदर डाल के फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको घुमा के डाल देंगे, घुमा के अब इसको प्रॉपर घुमा लेंगे। अब चलिए सीधा चलते हैं गैस की तरफ, अब इसको पकाएंगे। कंडेंस मिल्क है तो आपको मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको भी डाल के बना सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए इसको पकाते हैं पहले। तो हम तो देखिए मैंने गैस को जला लिया है, अब अच्छे से इसको हम पकाएंगे गाढ़ा होने तक। देखिए इसमें कलर भी आ गया हमारा स्ट्रॉबेरी की वजह से। पल्प है उसको आप ज़्यादा ले सकते हैं, अगर कलर ना आए तो थोड़ा सा और आप पीस लीजिए उसको। स्ट्रॉबेरी को अच्छे से धो के अच्छे से कलर आ जाएगा उसका, ज़्यादा क्वांटिटी में ले लीजिए उसको। अब इसको अच्छे से हम पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। तो चलिए इसको पकाते हैं, और मीडियम गैस पे ही इसको पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये गाढ़ा एकदम से हो जाएगा और पकड़ने का डर रहेगा नीचे। तो देखिए कुछ हद तक ये गाढ़ा हो गया है। अगर किसी वजह से आपका ये गाढ़ा ना हो रहा हो तो आप इसमें अरारोट आधा चम्मच या 1 चम्मच और भी आप घोल के डाल सकते हैं। तो हम इसको और थोड़ा थिक बनाएंगे, बिल्कुल हमें थोड़ा सा और ही गाढ़ा चाहिए इसको, तो मैं और इसको पकाऊंगी अभी। और इसको स्लो आंच पे ही पकाइए, क्योंकि ये गैस तेज होने पे ये ऊपर आ रहा है, क्योंकि इसमें दूध में हम बना रहे हैं ना इसको, इस वजह से। कुछ हद तक ही हमारा गाढ़ा हो गया है, इतना दिखा रही मैं आपको। अब इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे 6 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गैस को बिल्कुल हम स्लो कर देंगे जिससे पकड़े ना ये नीचे तले में। तो मैंने पिसा हुआ ही चीनी लिया है, आप भी पिसा हुआ ही चीनी लीजिए ताकि जल्दी से ये मिक्स हो जाता है। और इसको थोड़े देर और हम पकाएंगे बिल्कुल सिम आंच पे ही, जिससे अच्छे से चीनी भी पक जाए इसके अंदर। तो चलिए और पकाते हैं इसको थोड़ी देर। तो देखिए बहुत अच्छा पक गया है ये हमारा। अब इसको गैस को बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। और इतनी ग्रेवी ठीक है, अब जब ठंडा हो जाएगा तब देखेंगे इसको कितना थिक बन जाता है ये, क्योंकि इसमें बिल्कुल आइसक्रीम की तरह ही चाहिए होता है ये हमें। तो अब इसको ठंडा करते हैं, फिर इसको सर्व करके दिखाऊंगी मैं आपको। ठंडा हो गया है, अब मैं इसको साइड में करूँगी। अब उसमें डालने के लिए मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, काले अंगूर और स्ट्रॉबेरी, और हरे अंगूर भी लिए हैं कुछ मैंने। अब इसी में थोड़े से एलोवेरा के जो ये छोटे छोटे मैंने पीस बना के रखे हैं, इनको इसी में डाल देंगे। करेंगे पहले तो सर्व करेंगे। उसके लिए मैं कुछ बिस्किट लिए हैं, चॉकलेट वाले, आप अपने पसंद के कोई सी भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे पहले हम बिस्किट डालेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो देखिए एक परत मैंने बिस्कुट का लगा लिया, और एक तरफ मैंने इसको लगा लिए हैं, पल्स बनाए थे उसको डाल देंगे इसमें। तो फिर से एक कोटिंग हम इसकी कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा ये फ्रूट बनके हमारा तैयार हो गया, और एलोवेरा से मैंने बनाया है, आप भी बनाइए घर पे एक बार ट्राई कीजिए। तो देखिए कितना अच्छा ये डिश बनके तैयार हो गया, और मैंने इसको एलोवेरा और फ्रूट का कॉम्बिनेशन दिया है। आप भी इसी तरीके से घर पे बनाइए, कुछ खट्टा कुछ मीठा, और आप बिस्किट इसके जगह पे कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।